welcome you all in the premises of Manohar Memorial College of Education. Now you are the valuable part of this family. We are a family now. और बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आपका. और आज हमारा यहाँ पहला दिन है. आप सभी स्कूल से कॉलेज में प्रवेश करने जा रहे हैं. ये आपके लिए एक ट्रांजिशन फेज है. ये एक बहुत ही अच्छा और एक्साइटमेंट वाला फेज है कि नहीं है? आर यू एक्साइटेड? दैट्स ग्रेट. और इसी के साथ हम आज जो फर्स्ट सेशन शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज आवर ओरिएंटेशन प्रोग्राम. सबको पता है ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? ओरिएंटेशन का मतलब जानते हैं हम? ओरिएंटेशन से हम समझते हैं कि आज आप जानेंगे इस कॉलेज के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में, यहाँ के रिसोर्सेज के बारे में, जो बहुत सारी चीजें हैं इस कॉलेज से जुड़ी हुई, या आपको जो चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि आपने अगले डीएलएड की बात करें तो 2 साल आप हमारे साथ रहेंगे. बीए बीएड वाले तो हमारे साथ 4 साल के लिए रहने वाले हैं. 4 साल के लिए नहीं कहूंगी, आप आफ्टर दैट भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे. तो ये एक हमारा लाइफ टाइम रिलेशनशिप बनने वाला है. तो आपको ये सब जानकारियां होनी बहुत ज्यादा जरूरी है. तो इसके लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं. आप कॉलेज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. एक दूसरे के बारे में जान लिया हमने, है ना? तो आप कुछ कॉलेज के बारे में जानते हैं. मनोहर मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हमारी टैगलाइन है नर्चरिंग द नेशन बिल्डर्स. यू बेटर नो टीचर इज अ नेशन बिल्डर. सबने सुनी है ये बात? मतलब पता है इस बात का क्या है? नेशन बिल्डर का मतलब पता है? नेशन बिल्डर क्या है? व्हाई टीचर इज कॉल्ड एज नेशन बिल्डर? क्यों कहा जाता है टीचर को नेशन बिल्डर? नहीं पता? नेशन बिल्डर, नेशन मीन्स राष्ट्र, बिल्डर मीन्स निर्माता, राष्ट्र निर्माता. क्यों कहा जाता है टीचर को, एक अध्यापक को राष्ट्र निर्माता क्यों कहा जा रहा है? राष्ट्र का निर्माण वहां रहने वाले व्यक्तियों से हो रहा है. जैसे व्यक्ति होंगे वैसा राष्ट्र होगा, है ना? तो आप टीचर होने के नाते आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कैसे व्यक्ति तैयार करोगे? सिर्फ एजुकेटेड, सक्सेसफुल, स्किल्ड, और क्या क्या चीजें होनी चाहिए? बिहेवियर में अच्छे होने चाहिए. और क्या वैल्यूज होनी चाहिए? डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की, और बहुत कुछ, बहुत कुछ है. एक व्यक्ति में क्या क्या गुण होने चाहिए सोचो. आप एक आइडियल पर्सन किसको मानते हो? एक आइडियल पर्सन है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? ही इज एन आइडियल पर्सन और शी इज एन आइडियल पर्सन. क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसके अंदर? पर्सनालिटी, पर्सनालिटी आउटर, सिर्फ आउटर पर्सनालिटी, इनर पर्सनालिटी में क्या क्या आएगा? उसका बिहेवियर आएगा, उसका एटीट्यूड आएगा, उसके इंटरेस्ट, उसका स्किल, किस तरीके से वो किसी से डील करता है, उसका सोशल बिहेवियर कैसा है, उसका इंटेलेक्चुअल बिहेवियर कैसा है, इमोशनल. कोई छोटी सी बात पर रोने तो नहीं लग जाता है? बहुत सारे लोग होते हैं, है ना? तो बहुत सारी क्वालिटीज आती हैं. तो हमारा काम यहाँ है, हम उन नेशन बिल्डर्स को जिन्होंने आगे तैयार करने हैं, ऐसे व्यक्ति जो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें, हम ऐसे राष्ट्र निर्माताओं का निर्माण कर रहे हैं इस कॉलेज के अंदर. ऐसे टीचर्स को बना रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं. नर्चर का मतलब पालन पोषण करना. तो दिस इज आवर टैगलाइन, मनोहर मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नर्चरिंग द नेशन बिल्डर्स. और हमारा जो विजन है, विजन है ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन कमिटेड टू डिलीवर क्वालिटी एजुकेशन. धीरे धीरे आप यहाँ जानेंगे कि किस तरीके की एजुकेशन आपको यहाँ दी जा रही है, क्वालिटी से क्या मतलब है, वो धीरे धीरे पता चलेगा. और हमारा मिशन है टू अचीव एक्सेलेंस इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन थ्रू द आइडियाज ऑफ चैरिटी, फिलेंथ्रोपी. फिलेंथ्रोपी का मतलब होता है समाज में पढ़े लिखे लोग जो है हमारे, शिक्षित समाज, सेल्फलेस सोशल सर्विस. आजकल सेल्फिशनेस बढ़ती जा रही है, मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता, लेकिन आर मिशन इज टू क्रिएट अ सेल्फलेस सोसाइटी जहाँ ये सेल्फलेस मोटिव नहीं हो, पैट्रियोटिक फर्वर हो, देश
अपने पड़ोसी के बारे में भी नहीं सोचते, हम तो देश के बारे में तो बहुत दूर की बात है ना, लेकिन यहाँ वो क्वालिटी है कि पेट्रियोटिक फर्वर एंड मिशनरी जील की कोई भी काम करें हम उसको एक मिशनरी जील के साथ करें। तो दिस इज आवर मिशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। और अबाउट दिस कोर्स बीए बीएड की जब हम बात कर रहे हैं, बीए बीएड का कोर्स 4 ईयर इंटीग्रेटेड है, आप सबको पता है, आपने एडमिशन लिया, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी गई है, जिसमें आपका पहले हम क्या करते थे, 3 साल की बीएड करके फिर 2 साल की बीएड करते थे, तो दोनों को इंटीग्रेट कर दिया गया। क्यों इंटीग्रेट कर दिया गया? पर्पस ऑफ दिस कोर्स नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है, पता है सबको उसके बारे में, यू ऑल नो, नई एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है उसमें एजुकेशन के स्ट्रक्चर को बहुत हद तक बदल दिया गया है, क्योंकि एजुकेशन नींव बनाती है किसी भी राष्ट्र की। तो ये बीए बीएड का कोर्स क्या है, अब बीए के बाद क्या होता था, बच्चे को कोई जॉब नहीं मिली, कहीं एडमिशन नहीं हुआ, तो क्या हुआ, चलो जी बीएड कर लेते, है ना। तो बहुत सारे कारण ऐसे, इंटरेस्ट ना होने के बावजूद भी बीएड करने लगे थे लोग, लेकिन इसीलिए इसको रखा गया कि 12th के बाद जिसका माइंडसेट ही टीचर बनने का, जिसने जाना ही टीचिंग प्रोफेशन में है, तो 4 साल में कितनी पॉलिशिंग हो जाएगी उसकी, है ना। आप 6 महीने किसी को ट्यूशन पढ़ाओ, 4 साल एक ही चीज पढ़ाओ, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो यहाँ वो माइंडसेट के साथ बच्चे आएंगे जिनका एक अल्टीमेट एम, अल्टीमेट गोल टीचिंग प्रोफेशन में जाने का होगा। प्रोफेशन कहना बहुत गलत है टीचिंग को, टीचिंग इज अ वेरी पॉयस थिंग, बहुत ही पवित्र चीज है, गुरु का दर्जा जिसे दिया जाता है। सुनिए सबने ये लाइनें, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए मिलाए। हम सब अभी आपने बोला कि परमात्मा को मानने वाले हैं, तो अल्टीमेट परमात्मा से मिलाने का काम एक गुरु करता है, तो गुरु का दर्जा कितना होता है, माँ बाप के बाद दर्जा किसका आ रहा है, गुरु का दर्जा आ रहा है। लेकिन क्या गुरु की इज्जत है आज मोहाली, क्या स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप वैसा है जैसे पहले गुरु शिष्य रिलेशनशिप हुआ करता था? नहीं है, बहुत ज्यादा चेंज है, रिस्पॉन्सिबल दोनों है, टीचर भी रिस्पॉन्सिबल है, स्टूडेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, इवन कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल है। तुझे क्या जरूरत थी टीचर की सुनने की, सुना देता, सुना देती, ऐसा पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। तो हमारी कहीं ना कहीं वो परवरिश, वो संस्कार, वो सारी चीजें खत्म होती जा रही है, लेकिन हम उस एक पायसनेस को, एक पवित्र रिश्ते को दोबारा जिंदा करना चाह रहे हैं कि टीचर स्टूडेंट और गुरु शिष्य का जो रिश्ता है वो एक पवित्र रिश्ता बन के आए हमारा, ठीक है। तो ये बीए बीएड का कोर्स यही है कि 4 साल का है, जिसमें आपको बीए के जो आप कोर्सेज आपने बीए में पढ़ने थे, जो आप 12th में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ के आए हिंदी इंग्लिश के साथ, वो 2 सब्जेक्ट्स को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपने उन सब्जेक्ट्स को चेंज करना है, तो यू कैन चेंज, हमारे पास कुछ लिस्ट है जो सब्जेक्ट्स आपको दिए जाएंगे, मुझे मैं आपको थोड़ी देर में बताएंगे इसके बारे में कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कॉम्बिनेशंस क्या होंगे एंड ऑल दैट। लेकिन पर्पस बीए बीएड का होगा कि एक स्किल्ड टीचर और एक अच्छा टीचर हम बनाने की हमारी कोशिश रहेगी। उसके बाद हमारे मन में आते हैं कि सिर्फ टीचर, आपने बहुत लोगों ने बोला स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, किसी ने बोला आर्मी में इंटरेस्ट है, सिर्फ अभी मुझे पता भी नहीं है कि बीए बीएड के बाद सिर्फ टीचर बनना है। आप में से बहुत सारे लोग कुछ बाय चॉइस आए, यस आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, बट बहुत बाय चांस आ गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का मन ही लॉयर बनने का है, वो आ गया यहाँ पे, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है लेकिन आ गया यहाँ पे, कुछ और करने का मन था, मन में सपने कुछ और थे लेकिन हम आ गए यहाँ पे, लेकिन अब हम आ गए यहाँ पे, है ना। अब आप एडमिशन ले लिया आपने, नाउ अब चांस और चॉइस का डिफरेंस खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हम सब आ गए हैं, अब उसको हम चॉइस ही बनाएंगे। अपना अगर एग्जाम्पल दूं, आई नेवर बिकम अ टीचर, कभी बनना नहीं चाहती थी मैं, टीचिंग प्रोफेशन में नहीं आना चाहती थी, बट सर्कमस्टेंसेस और टाइम एक ऐसी चीज है जो आप, ऐसा हमेशा कभी नहीं होता कि जो आप चाहते हो आपके साथ वही हो, है ना, गॉड नोज कि किसकी लाइफ में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। तो बट नाउ आई एम फीलिंग वेरी मच लकी कि गॉड ने मुझे वो चीज दी शायद जो मैं नहीं चाहती थी, बट गॉड को पता था इसके लिए ये अच्छा है। गॉड हमें हमेशा वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, हम तो पता नहीं क्या क्या चाहते हैं, पर हर चीज हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड माई पेरेंट्स और माई टीचर्स, जिन्होंने मुझे गाइड किया कि तुम्हारे लिए ये ठीक रहेगा। और अब मुझे लगता है कि आई एम द लकीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ बिकॉज आई एम अ टीचर, टीचर से बड़ा कोई प्रोफेशन नहीं। बहुत पिछले टीचर्स ने भी एक वीडियो वायरल हुई थी, अगर आपने देखी हो, उसमें क्या हुआ, एक कॉमन कुछ लोगों को बुलाया गया और सामने ना और डायस में, जैसे हमने 5 चेयर्स लगा दी थी और चेयर्स पे उनको जो जैसे टीचर पर्सन बैठा है उसके नाम नाम के आगे लिखा है डॉक्टर सो एंड सो, ठीक है, दूसरे के आगे लिखा है इंजीनियर, तीसरे के आगे लिखा है कोई कर्नल आर्मी,
पर्सन और किसी के आगे पुलिसमैन लिखा है, एक व्यक्ति जिसके आगे सिर्फ नाम लिखा है, फॉर एग्जाम्पल कविता बत्रा लिखा है, उसके आगे कुछ नहीं लिखा, डॉक्टर इंजीनियर पुलिसमैन कुछ नहीं लिखा, देखी किसी ने क्या वीडियो? मैंने देखी ना, हाँ वो वीडियो, उसमें क्या था, चलो जिन्होंने नहीं देखी मैं बता रही हूँ। और उसके बाद सोसाइटी से कुछ लोगों को बुलाया गया, सोसाइटी से कुछ लोगों को बुलाने के बाद एक एक करके उनसे पूछा गया, आपको लगता है कि कोरोना टाइम में कौन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है? कोरोना टाइम था है ना, और आप क्या मानोगे कि इनमें से कौन सा व्यक्ति सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? टीचर नहीं, अभी किसी के नाम के आगे कुछ लिखा नहीं हुआ है, किसी ने बोला डॉक्टर, कोरोना के टाइम में तो डॉक्टर सबसे ज्यादा जान बेचारे लोगों की है ना, उस टाइम पे कुछ लोगों ने बोला डॉक्टर, कुछ लोगों ने बोला कि नहीं अगर डॉक्टर्स के पास पूरे इक्विपमेंट ही नहीं होते है ना, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं होते, बेड्स नहीं होते या पूरी फैसिलिटीज नहीं होती तो इंजीनियर्स के बगैर काम चल सकता था? डॉक्टर तो कुछ नहीं कर पाता, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, मास्क नहीं है या जो जो चीज़ें इंजीनियर्स बना रहे हैं, जो जो मेडिकल इक्विपमेंट्स इंजीनियर्स ने बनाई, उसके बिना डॉक्टर कुछ कर सकता है? तो वन पर्सन सेड कि नहीं इंजीनियर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ने बोला कि पुलिसमैन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोना में पुलिस की भूमिका देखी है सबने है ना, अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो, सेफ्टी के मेजर्स उन्होंने पूरे पुलिस ने अवेयरनेस फैलाई, बहुत अच्छे अच्छे काम किए। किसी ने बोला नहीं पुलिस नहीं होती तो कोरोना फैल ही जाता, तब तो डॉक्टर्स कुछ कर ही नहीं सकते थे, इंजीनियर्स भी कुछ नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने तो उसको फैलने से ही रोका, ठीक है। इसी तरीके से किसी ने किसी के बारे में, किसी ने किसी के बारे में बहुत कुछ बोला कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द लास्ट पर्सन जिसके नाम के आगे कोई टैग नहीं था, कोई डेजिग्नेशन नहीं लिखा हुआ था, तो देखा कि क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उनसे पूछा गया कि क्या ये पर्सन इम्पोर्टेंट नहीं है, बोले नहीं इनके नाम के आगे कुछ है नहीं, तो आई डोंट नो ये कॉमन पर्सन कौन है कौन नहीं है। तो बोले तो वो जो चार पर्सन बैठे थे ना, टीचर इंजीनियर एंड पुलिस मैन ऑल दैट जो भी डेजिग्नेटेड पर्सन थे, वो एकदम से बोले कि हम चारों के टीचर यही है। तो जस्ट सी द वैल्यू ऑफ अ टीचर, अब एक अगर टीचर नहीं है तो ना तो डॉक्टर होगा, ना इंजीनियर होगा है ना, ना कोई पुलिस मैन बनेगा, मतलब कुछ भी नहीं बन पाएगा। जस्ट सी द वैल्यू ऑफ अ टीचर, नाउ कुछ दिमाग खुल रहा है कि आप कहाँ आ गए, आप तो सबसे ऊपर आ गए ना एकदम से, आपको वो फीलिंग आ रही है आप एकदम से सबसे ऊपर आ गए हो, बाकी सारे लोग नीचे रह गए, चाहे वो एक लॉयर है, चाहे डॉक्टर है, चाहे पुलिस, कोई भी है, कोई भी कितना भी हाईली क्वालिफाइड हाईली हाई रैंक का बंदा है, लेकिन वो क्या टीचर के बिना उस रैंक पे पहुंच सकता है? आप कुछ भी बनना चाहते हैं आप बिना टीचर के पहुंच जाएंगे क्या? नेवर। और आजकल जो टेक्नोलॉजी है, लोग सोच रहे हैं गूगल से पढ़ लेंगे, गूगल इंपॉर्टेंट है पर टीचर की जगह कभी नहीं ले सकता, टेक्नोलॉजी कैन नेवर रिप्लेस अ टीचर, ये बात दिमाग से निकाल देना कि टेक्नोलॉजी कभी टीचर को रिप्लेस करेगी, टेक्नोलॉजी इज द हेल्पिंग हैंड फॉर अ टीचर, टेक्नोलॉजी को बनाने वाला भी तो टीचर है, कोई चैप्टर पढ़ाना है तो टीचर ही फीड करेगा टेक्नोलॉजी के अंदर, ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है, अपने अपने आप बना ली, नहीं बनाई ना अपने आप नहीं बना सकता ना, इसके लिए किसकी जरूरत है, टीचर की जरूरत है। तो यू आर वेरी मच लकी, आज आप अपने आप को लकीएस्ट पर्सन मानो कि आपको मौका मिला, गॉड ने आपको चांस दिया एक इस प्रोफेशन में आने, ठीक है। तो जॉब प्रोस्पेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, यू कैन बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर, आप एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट पे जा सकते हो, समझते हो प्रिंसिपल है या प्रिंसिपल से ऊपर की भी बहुत सारे मैनेजमेंट पोस्ट होती हैं, उसमें टीचर तो है ही, ट्यूटर, आजकल बायजूस और आकाश और ऑल दैट कंपनीज चल रही हैं, तो कितना अर्न कर रहे हैं लोग, यू कैन बिकम अ ट्यूटर, एक्टिविस्ट बन सकते हो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन सकते हो, करियर काउंसलर, ट्रांसलेटर, क्रिएटिव राइटर, सिविल सर्वेंट, रिसर्चर, ऑनलाइन ट्यूटर, प्राइवेट ट्यूटर, एजुकेशन कंसल्टेंट, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड सो ऑन, ये लिस्ट बहुत लंबी, इसके आगे और बहुत सारी चीजें हैं जो आप बीए बीएड का कोर्स या टीचिंग प्रोफेशन में आने के बाद में, बीए बीएड नहीं करें, चाहे आप डीएलएड कर रहे हो, चाहे बीएड करो, चाहे बीए बीएड करो, बट बीए बीएड करने के बाद ये सारी चीजों के ऑप्शन ज्यादा खुल जाते हैं। क्यों खुल जाते हैं? बिकॉज यू आर विद अस फॉर 4 ईयर्स, तो हमारे पास टाइम है आपको एक्स्ट्रा चीजें सिखाने का, बहुत सारा कुछ देने का। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी चीज बताऊँ कि आपको रिसर्चर या कॉन्टेंट राइटर, क्रिएटिव राइटर की बात मैं करूँ, तो रिसर्च बेटा एक साल का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, रिसर्च नीड्स अ टाइम, और आपके पास टाइम है, हमारे पास टाइम है, हमारे पास वो इंटरेक्शन रहेगी जिससे आप अपनी चॉइस का फील, अभी क्या होता था पहले बीएड करके क्या बनेंगे टीचर, अभी देखो कितने प्रोस्पेक्ट्स हैं, पहले पता था आपको नहीं, धीरे धीरे और भी चीजें, ये लिस्ट मैं बोल रही हूँ बहुत छोटी है,
इसके अलावा बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जो बीए बीएड के बाद आप कहीं भी जा सकते हैं। ललित सर, हमारे पास टेक्नोलॉजी में इतनी सारी ब्रांचेस हैं जो आपको बताएंगे कि आप क्या क्या कर सकते हो उस चीज में। नेक्स्ट, व्हाट इज टीचिंग? मैंने टीचिंग का एग्जाम्पल पहले ही दे दिया कि टीचिंग क्या है। टीचिंग इज, आपका क्या मानना है टीचिंग क्या है? टीचिंग एक वन वे प्रोसेस नहीं, मैं बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, दिस इज नॉट टीचिंग। सीबीएसई का एक रूल है, टीचर टॉक टाइम और स्टूडेंट टॉक टाइम। पता है कितना होता है? क्लास में 40 मिनट्स का अगर लेक्चर है, हमें क्लास में बताया इसीलिए पता आपको, एक लेक्चर लगाया आपने मेरा, बाकी लोग तीनों को छोड़ के बाकी लोग बताएंगे टीचर टॉक टाइम कितना होना चाहिए, स्टूडेंट टॉक टाइम कितना होना चाहिए। 30 मिनट स्टूडेंट का और 10 मिनट टीचर का। हाँ, 70-30 का रेशियो है, 70% स्टूडेंट टॉक टाइम और 30% टीचर। टीचर कम बोलेगा, बच्चे को ज्यादा बोलने देना, अदरवाइज उबासियां आएंगी। 2-3 बच्चों ने लिए अभी अभी, है ना? प्लीज, वो होता है जब आप नहीं बोलते हैं, आपकी कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज अ साइकोलॉजिकल रूल, आप बहुत देर तक एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, आपका माइंड डाइवर्ट करता है, दिस इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, इट इज नेचुरल, है ना? इसीलिए स्टूडेंट टॉक टाइम रखा गया। तो नाउ टेल मी, व्हाट इज टीचिंग? नाउ इट्स योर टर्न। क्या समझते हो टीचिंग? शिक्षा क्या है? सब टीचर्स से पढ़ के आए हो, यू नो टीचिंग, नाउ टेल मी व्हाट इज टीचिंग? बताओ टीचिंग क्या है? पढ़ाना, पढ़ाना, अदर देन दैट कुछ है? टीचिंग इज द प्रोफेशन दैट टीचेस ऑल अदर प्रोफेशंस। टीचर, टीचिंग सिर्फ ऐसा नहीं कि किताब पढ़वा रहा है और ये टीचिंग है, टीचिंग टीचिंग नहीं है। टेंशन किस किस को है? ऑलमोस्ट सबको, किसी को किसी चीज की, किसी को किसी चीज की, किसी को किसी चीज की, तो जिंदगी कहाँ है, टेंशन में खत्म होती जा रही है। तो टीचिंग इज नॉट ओनली टू टीच इन द क्लासरूम और टीच इज सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग एक बहुत बड़ी चीज है, धीरे धीरे हम जानेंगे। ट्रू टीचर्स आर दोज हु हेल्प अस थिंक फॉर आवर सेल्फ, जो हमें अपने लिए सोचना सिखाते हैं। ये फोटो किसकी है इसके पीछे? जो लिखा है इसके पीछे एक फोटो है पर्सन का। टीचर्स डे मनाया जाता है इनके नाम पे, इनके बर्थडे वाले दिन। क्या नाम है? सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, जिन्होंने टीचिंग को इतनी इम्पोर्टेंस दी और हम टीचर्स डे। नेक्स्ट, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर। ये बात मैंने पहले की कि टीचिंग सिर्फ क्लास में पढ़ाना नहीं है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीचर के लिए। क्या क्या ड्यूटीज होती हैं टीचर को? कभी कभी बच्चा बीमार है, नर्स की भूमिका निभानी पड़ती है, लेके जाना पड़ता है, ट्रीटमेंट करना पड़ता है, चोट लग गई, टीचर पहले फर्स्ट एड देता है, टीचर इज अ नर्स, दो बच्चे लड़ रहे हैं, छुड़ाना पड़ता है, कभी कभी पुलिस मैन बनना पड़ता है, कभी कभी बच्चा परेशान है, मदर फादर की भूमिका निभानी पड़ती है, पेरेंट बनना पड़ता है। तो जस्ट इमेजिन द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर। इसीलिए उसको भगवान के बराबर दर्जा दिया गया। नो वन इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट है क्या? कोई भी परफेक्ट नहीं है, किसी के अंदर कोई कमी है, किसी के अंदर कोई कमी है, बट टीचर मस्ट हैव टू बी परफेक्ट, उसको परफेक्शन तक ले जाना पड़ता है। उसके अंदर पेशेंस भी होनी चाहिए, उसके अंदर काइंडनेस भी होनी चाहिए, उसके अंदर कामनेस भी होनी चाहिए, उसके अंदर ऑनेस्टी भी होनी चाहिए, उसके अंदर डिसिप्लिन भी होना चाहिए। कितनी वैल्यूज हैं हमारी, तो वो सब चीजें टीचर से एक्सपेक्टेड है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब आप लोग कहो कि आप स्टूडेंट हो, यू आर नॉट स्टूडेंट नाउ। अगर आप इस टीचिंग प्रोफेशन में आए, फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट अ टीचर बट आई एम अ टीचर एडुकेटर, बिकॉज आई एम एजुकेटिंग द टीचर्स, मैं टीचर्स को पढ़ा रही हूँ, तो आई एम नॉट अ टीचर, टीचर्स को पढ़ाने वाला टीचर नहीं होगा। एक टीचर दूसरे टीचर को नहीं पढ़ा सकता, टीचर एडुकेटर कहा जाता है। जो बीएड कॉलेजेस के टीचर्स हैं उनको क्या कहा जाता है? टीचर एडुकेटर्स। और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्टूडेंट नहीं कहा जाता, उनको क्या कहा जाता है? प्यूपिल टीचर्स, छात्र अध्यापक। आप छात्र भी हैं लेकिन अध्यापक भी हैं।
प्यूपल टीचर्स और स्टूडेंट टीचर्स का नाम दिया जाता है। आप गूगल पे सर्च करना प्यूपल टीचर क्या होता है और स्टूडेंट टीचर क्या होता है, आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। यू आर प्यूपल टीचर्स, यू आर नॉट स्टूडेंट्स। समझ में आया? तो कोई प्यूपल टीचर कहे तो समझ में आएगा कि तुम लोग प्यूपल टीचर्स हो, छोटे छोटे टीचर्स हो, वो वाले, है ना। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद रोल्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या रोल्स है। ये क्या हो गया? लेक्चरर, कंट्रोलर, कंट्रोल करना पड़ता है, चुप करो बोलो, है ना, सही पार्टिसिपेट होना पड़ता है। प्रॉम्प्टर, प्रॉम्प्टर क्या होता है? उकसा रहा है, बोलो भाई कुछ तो बोलो। अच्छा ये भी हो सकता है अब बोलो, ये भी हो सकता है अब बोलो, तो बोलते हैं ना, तो प्रॉम्प्ट करना। रिसोर्स है, असेसर है, ऑर्गेनाइजर है, बहुत सारे इसके अलावा भी बहुत सारे रोल्स हैं। सबसे बड़ी चीज आती है मोरालिटी, जो आज खत्म हो गई है टीचर्स के अंदर, तो खत्म होती जा रही है। मोरालिटी क्या होती है? उचित अनुचित व्यवहार के सिद्धांत या नैतिकता की जिसको हम बात करते हैं। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग होनी चाहिए टीचर्स के अंदर, है क्या, है क्या? आप इतने टीचर से पढ़ के आए हो, 12th तक, 12 साल प्री नर्सरी में भी कुछ मिले होंगे, कुछ याद होंगे, कुछ नहीं होंगे। कैसे टीचर्स थे, कौन से टीचर्स याद रहते हैं? एक तो जिसने खूब कुटाई करी हो, है ना, खड़ूस वाला, और एक बहुत ही जो आपका फेवरेट टीचर, बाकी याद है क्या? बाकी याद नहीं होंगे, है ना, या तो कोई बहुत ही टॉप लेवल का बहुत अच्छा फेवरेट आपका। आप एक बात मान के चलना, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट था, इमेजिन करो क्या वो टीचर फेवरेट था आपका। फेवरेट सब्जेक्ट आपका वही होता है जो आपका फेवरेट टीचर होता है। जस्ट इमेजिन द क्वालिटी ऑफ अ टीचर, टीचर बनाता है आपका फेवरेट सब्जेक्ट, है ना। कैसा टीचर बनना है आपको, आपको कैसा टीचर बनना है? फेवरेट वाला, फेवरेट वाला ही ना। तो टीचर के लिए मोरालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। सही गलत टीचर को नहीं पता होगा तो वो बच्चे को कभी नहीं सिखा सकता, है ना। ड्यूटीज, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जेंडर सेंसिटिविटीज के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि यहाँ पे कोई बॉयज और गर्ल्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यू ऑल आर स्टूडेंट्स। और मैंने कराई एक एक्टिविटी, मैंने कहीं कराई थी जेंडर सेंसिटिविटी पे, मैंने क्या किया था, ब्लैक बोर्ड पे मेल और फीमेल बीच में लाइन लगा दी, और मैंने स्टूडेंट्स को कुछ स्लिप्स दी जिसमें अलग अलग प्रोफेशंस के नाम लिखे थे, पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिसमैन, ऐसे ऐसे करके स्टूडेंट्स थे, 11th 12th के स्टूडेंट्स थे। और मैंने जब स्लिप्स दे दी, वो चिपकने वाली स्टिक्स थी, वो जो स्टिकी होती हैं, और मैंने बोला चिपका के आओ कि डॉक्टर है वहाँ, मेल की साइड चिपकाओगे या फीमेल की साइड चिपकाओगे। तो क्या हुआ होगा इमेजिन करो, फीमेल वाली साइड क्या क्या आया होगा, नर्स, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर कहा गया होगा। मेल वाली साइड ऐसा ही हुआ होगा, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। लेकिन क्या ये सही है? टीचर्स में आपने देखा यहाँ मेल और फीमेल दोनों ही है, ललित सर भी बैठे, मैं भी खड़ी हूँ, है ना। डॉक्टर्स में किसी फीमेल डॉक्टर का नाम बताओ, शहर में बहुत सारी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर नीति सतुजा बहुत पॉपुलर डॉक्टर है, बहुत सारी डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर क्यों मेल की साइड आ रहा है। इंजीनियर में क्या सिर्फ मेल है, बहुत सारी फीमेल इंजीनियर्स भी हैं, तो हर प्रोफेशन, इसीलिए जेंडर सेंसिटाइजेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है।